लगातार दूसरे साल उत्तरायण के मौके पर गुजरात के पतंग बाजार सूने पड़े हैं। पिछले साल पतंग का कारोबार नोटबंदी की भेंट चढ़ गया था, तो इस साल जीएसटी ने पतंग खरीदने वालों की संख्या कम कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी आने के बाद कुछ सेक्टर्स को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर्स पर इसका असर हुआ है। इसमें गुजरात का पतंग उद्योग भी अछूता नहीं रहा। गुजरात में उत्तरायण बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें पतंग उड़ाने की परंपरा है, और ऐसे मौके पर जीएसटी की मार से पतंग उद्योग भी नहीं उभर पाया है। ये नजारा सूरत के पतंग बाजार का है, जहां आपको हर तरह की पतंग, हर कीमत की पतंग मिल जाएगी। लेकिन जीएसटी लगने की वजह से पतंग और मांझे की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद बाजार से ग्राहक नदारद हैं। पिछले साल से ये साल भाव बहुत ज्यादा है। जो चीज में 200 रुपए की खरीदी करता था, वो चीज मेरे को अभी 250-300 के आजू बाजू मिल रही है। यानी वैरायटी में बहुत ज्यादा भाव बढ़ गया और जीएसटी के वजह से बहुत ज्यादा भाव दिख रहा है और मार्केट का माहौल बहुत ठंडा दिख रहा है। पिछले साल नोटबंदी और इस साल जीएसटी ने पतंग कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। कारोबारियों की माने तो जीएसटी लगने के बाद उनके कारोबार में लगभग 50% तक की कमी आई है। पतंग और उसके धागों पर 5% जीएसटी लग रहा है, जबकि इसके कागज पर 12% टैक्स लग रहा है। भारत में पतंग का कारोबार सीजनल है, जो सिर्फ गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ही बहुतायत मात्रा में चलता है। पिछले साल के अंत तक ये कारोबार लगभग 40 करोड़ का था, लेकिन इस साल एक तरफ जीएसटी और दूसरी तरफ चाइनीज मांझे पर एनजीटी की रोक से पतंग कारोबारियों पर दोहरी मार पड़ रही है। गो न्यूज़ के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट।